नमस्कार, नॉर्थ इंडियन टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई एग मसाला फ्राई। अगर आप एग करी खा के बोर हो चुके हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी से और पराठों से भी खा सकते हैं। ये रेसिपी बैचलर्स के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। ड्राई एग मसाला के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरह हैं। 5 एग मैंने लिए हैं जिसे मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। एक बड़े साइज की प्याज जिसे मैंने बारीक कट की हुई है। एक टमाटर, इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इसे ड्राई रखना है। 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 15 से 16 लहसुन की कलियां, हरी धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल जिसे एग फ्राई करने में और तड़के के लिए यूज करेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग, जीरा, अब मैं एग में हल्दी लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। हल्दी नमक और लाल मिर्च पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं एग को थोड़ा थोड़ा कट करूंगी इस तरीके से। एग को मैंने थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है। अब मैं इसे तलूंगी। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी तलने के लिए और थोड़ा सा बचा के रखूंगी। एग डालने से पहले मैं गैस को लो फ्लेम पे कर दूंगी। एग को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे एक बोल में निकालूंगी। लहसुन अदरक को मैंने मिक्सी में पीस दिया है। इसे बहुत बारीक नहीं करना है, हमें दरदरा पीसना है। और टमाटर को भी मैंने अच्छे से कट कर दिया है। अब मैं तड़का लगाऊंगी। एग फ्राई करने में मैंने जो ऑयल यूज किया था उसी में मैं थोड़ा ऑयल और डालूंगी और तड़का लगाऊंगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। जीरा हमारा लाल हो चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी। प्याज, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है। अब मैं इसमें अपने सारे मसाले डालूंगी। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला,
काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें नमक भी डालूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे कवर करके ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है। इसे हम इस तरीके से चलाएंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें एग डालूंगी। बारीक कटी हुई धनिया ऊपर से और थोड़ी सी बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे एक मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे। एक मिनट हो चुका है। ये देखिए अब मेरा ड्राई एग मसाला पूरी तरीके से रेडी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी सर्व करने के लिए। ड्राई एग मसाला को मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। अब मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। गार्निशिंग कर दी है मैंने धनिए से और एग की स्लाइस और प्याज से। अब मेरा ये सर्व करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अगर आप एग करी खा के ग्रेवी वाली बोर हो चुके हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप रोटी से या पराठे से खा सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए।